हाय एवरीवन, कैसे हो? सो अ वेरी वार्म वेलकम ऑन अमेज़न एकेडमी. And today we will be discussing Animal Kingdom, which is a huge chapter to study, but actually there are very few points which you need to study, and that will be sufficient for cracking the questions in the NEET exam. So yes, I can see a number of my old students here. Thank you for joining in. And so let's begin, because we have an hour, and in that hour we are going to do a huge amount. Okay, तो आपको थोड़ा लगेगा कि जिस चैप्टर को करने में आपने दो ढाई महीने लगाए वो हम एक घंटे में करने जा रहे हैं. और क्योंकि हम लोग जस्ट द क्रक्स ऑफ द पॉइंट जो चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, सिर्फ उन पॉइंट्स की बात करेंगे. ओके, so let's begin without further ado. And yes, hi everybody, thanks for joining in. I welcome you all to Amazon Academy. Now these are some of my credentials, and so I have been teaching NEET aspirants and previously AIPMT for quite a long time, and my students have made up to the number of prestigious medical colleges. So anyway, today's lesson structure, as we can see, it's the basis of classification, and then of course the non-chordates, which according to the NEET syllabus is up to phyla level only. Mind it, फाइलम के आगे नहीं करना है, जरूरत नहीं है. जो पहले करा हुआ है उसको अब डिलीट मार देना, ठीक है. कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल ही करने हैं, क्लास के आगे ऑर्डर्स नहीं करने हैं, ठीक है. क्योंकि दिस इज व्हाट, यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑल दोज हु आर जॉइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, ये सारे, जिसमें से बॉडी प्लान एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, जिसमें ऑफकोर्स ऑल दो एवरीबडी नोज दैट सेल एग्रीगेट प्लान है, बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है. ट्यूब विद इन ट्यूब में जहां से कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शुरू हो गया, ठीक है. सो इन क्राइटेरिया को लेते हैं, और ये इसके बेसिस पर जो आपका एनसीईआरटी का टेबल है, बहुत अच्छा सा टेबल दिया है, और उसको हम कर रहे हैं. उसको थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें एड ऑन करूंगी, सो दैट अपने आप में ये एक कंप्लीट टेबल हो जाए, ठीक है. सो अब आप यहां पर देखो कि जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग देखो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बांट रहे हैं. तो सेलुलर ग्रेड एंड टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, इस लेवल पे जा रहे हैं. तो टिश्यू ग्रेड में फिर उसके बाद सिमेट्री की बात करें तो मोस्टली एसिमेट्रिकल, ऑल्दो ऐसा नहीं है, इवन एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्ट स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल. सो सीलोम उनमें कोई नहीं है, और इसमें सिर्फ एक ही फाइलम आपका आ जाता है, पोरीफेरा. फिर जहां से आपका टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, टिश्यू के आगे फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड सो ऑन, तो वहां से हमारी सिमेट्री भी स्टार्ट होती है. तो ये ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू वेदर दे हैव अ रेडियल सिमेट्री और अ बायलैटरल सिमेट्री. अब रेडियल सिमेट्री में सिर्फ दो फाइलम है, माइंडेड, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा. एज फार एज इकाइनोडर्मेटा इज कंसर्न, इकाइनोडर्मेटा थोड़ा सा एक ट्रिकी है, क्योंकि उसमें अडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल बट द लार्वी आर बायलैट्रल सिमेट्रिकल, तो वो बायलेट्रिया में ही काउंट होता है. हाँ, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई अडल्ट इकाइनोडर्म में कौन सा सिमेट्री है, तब आप मार्क करेंगे कि उसमें ये है सिमेट्री है. अब यहीं पर हम लोग जर्म लेयर्स एड ऑन कर सकते हैं. तो देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेडियल सिमेट्री है, वो ऑर्गेनिजम्स दे आर डिप्लोप्लास्टिक, ठीक है. सो ये एड ऑन कर सकते हैं, यहां पर दो जर्म लेयर्स है. एज फार एज पोरीफेरा इज कंसर्न, नो जर्म लेयर,
ठीक है, इनमें जर्म लेयर ही नहीं होती है, और जो बायलैटरल सिमेट्री है जिनके अंदर, वो सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, एंड सो एक तो ये हो गया, तो आप ऐसे ग्रुपिंग हो जाएगी आपकी क्वेश्चंस की। एंड देन फिर जिनमें बायलैटरल सिमेट्री है उसमें सीलोम के बेसिस पर, ए सीलोमेटा में वी हैव ओनली प्लैटीहेलमिंथीज, सीरो सीलोमेट्स में एश्कलमिंथीज हैं, और यू सीलोमेट यानी कि जहां पे ट्रू सीलोम है उसमें एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आर देयर। नाउ इन दिस स्किट्ज़ोसीलोम एंड एंटरोसीलोम एज सच एनसीआरटी में नहीं दिया है, तो वी कैन अवॉइड इट। प्रोटोस्टोमिक और ड्यूट्रोस्टोमिक भी नहीं दिया है, तो इतना जरूरी नहीं है उसे करना। ऑल दो इफ यू वॉन्ट यू कैन पुट दीज थ्री, एटलीस्ट आई विल पुट माई सेल्फ इन, थोड़ा सा मैं अपने को साइड में कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट हियर। एंड यहां पर यू विल फाइंड दैट जो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का हैं, ये तीन आप, दीज थ्री यू कैन पुट देम अंडर प्रोटोस्टोमिक, ये प्रोटोस्टोमिक हैं और इनमें स्किट्ज़ोसीलोम है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक ग्रुपिंग बन जाएगी। और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा ये ड्यूटरोस्टोमिक हैं, और एंटरोसिलोमेट्स हैं। ठीक है, सो दिस वे यू कैन मेक द ग्रुप्स एंड दिस विल सर्व द पर्पस। अब इसके बाद ऑफ कोर्स वी विल मूव ऑन टू द फाइलम, क्योंकि जनरल अकाउंट में ये ही सारी चीजें पूछी जाती हैं। दो दो के ग्रुप में पूछ लेंगे कि किसमें ट्यूब विद इन, या मीन्स लेट अस से कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद रेडियल सिमेट्री या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल विद रेडियल सिमेट्री। अब ये अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक विद रेडियल सिमेट्री, तो वहां पे इकाइनोडर्म अडल्ट आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट विल बी द थिंग दैट यू नीड टू डू। एंड फ्रॉम हियर, अब पहले, इससे पहले कि हम लोग फाइलम स्टडी पे जाएं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। So if you see this question, I'll bring myself back here and yes, that's it. So come on with the, अच्छा एक बार आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा लैग है। Okay, thank you Rohit. I hope you like the lectures over there. So which of the following statements is not correct? So all animals have the ability to move from one place to another in their life cycle. All animals are heterotrophic. All animals lack cell wall. All animals have specialized cells to sense their surrounding. So which is not correct? Yes, come on, quickly come up with the answer. No, all animals have the ability to move from one place to another in their life cycle, I have mentioned. So, आप जैसे पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा मूव नहीं करते हैं, लेकिन पॉरीफेरा अपने लार्वा उनके जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है ना, सो ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, ये तो सही है, अब इसको भी मैंने सही बता दिया कि एक थ्री आंसर दे रहे हैं। ऑल एनिमल्स लैक सेल वॉल, ये तो सही है भाई, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, फंजाई में होती है, बैक्टीरिया में होती है, बट एनिमल्स में नहीं होती है, तो ये भी सही है। ऑल एनिमल्स
have a specialized cell to sense their surrounding. This is incorrect because porifera में कोई nerve cell नहीं है, ठीक है? तो वो उनके अपने body wall से ही, means body से ही वो सब sense करते हैं सारे cells में, लेकिन so this would be the one which is not correct. क्योंकि देखो nerve cell सबसे पहली बार कब appear किया है? Nerve cell has first time appeared with cilantrata. I hope everybody remembers that. ठीक है, सीलेंट्रेटा फर्स्ट टाइम वहां पे नर्व सेल की अपियरेंस आती है एंड एज अ रिजल्ट वो दैट इज द सेल. पोरिफेरा से पहले नर्व सेल नहीं है तो स्पेशलाइज सेल नहीं है, है ना? ऑल एनिमल्स कैन सेंस देयर सराउंडिंग बट दे पोरिफेरा डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज सेल फॉर इट. सो फोर्थ वुड बी द आंसर. सो आई एम सॉरी, द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेल्फ वॉज क्वाइट गुगली एंड मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बट चलिए कोई बात नहीं है. तो आगे थोड़ा सा हमारा, यू कैन सी दैट वी आर स्टार्टिंग विद फ्रॉम क्लास 11th के लिए वी आर स्टार्टिंग विद अ फुल कोर्स एंड बैचेस आर स्टार्टिंग ऑन 1st July, इन विच ऑफ कोर्स आई विल बी टीचिंग एज वेल एज Anu sir is there for physics, Himanshu Jain sir is for chemistry, and this is quite, you can see, a reasonable amount that we are charging. So all of you, for all of you, it's a, I mean, those who all, the 11th students, all those who want to join in, they can join this course at a very low fee. And apart from that, we are also going to conduct a free crash course for NEET 2021, and in this there would be Ashutosh Gautam sir, who would be teaching chemistry and physics and zoology. Once again we are there, and there are going to be live revision lectures, full mock tests, previous year papers, practice material, all that would be available, and this is totally a free course, and basically the today this is the first class for it. Okay, so moving ahead to the phylum studies. Now phylum बहुत बड़ा सा लगता है लेकिन सारा नहीं पढ़ना होता है, उसके basic points जिससे कि question आते हैं. जैसे अभी मैंने बताया porifera में asymmetry के साथ relate करेंगे आप, quanocyte उसका सबसे स्पेशलाइज्ड सेल है जिसपे क्वेश्चन भी आया है, वाटर कैनाल सिस्टम उनमें होता है, वाटर कैनाल सिस्टम किस लिए है, तो ऑफकोर्स लोकोमोशन छोड़कर, लोकोमोशन क्योंकि सारे पॉरिफेरम सेसाइल होते हैं तो उसको छोड़ दो, उसके अलावा व्हाट एल्स इट हेल्प्स इन, दैट इट हेल्प्स इन गैदरिंग द फूड, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल, दैट विल डू. और ये हर्मोफ्रोडाइट हैं, जेम्यूल्स इनके, फिर देखो 12th में भी आता है जेम्यूल, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक्सटर्नल बर्डिंग, एंड ऑफकोर्स द एनसीआरटी एग्जाम्पल्स. इसके बियॉन्ड कुछ और नहीं चाहिए होता है, पोरिफेरा में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता. स्पॉन्जिला के साथ आ गया फ्रेश वाटर, क्योंकि वो वंस अगेन एक एक्सेप्शन आ गया, ठीक है? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ओके, देन सीलेंट्रेटा विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेडेरिया. अब यहां से पहली बार सिमेट्री आ रही है, यहां से पहली बार टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है. इनका सबसे क्लासिक सेल जो इनके अंदर पाया जाता है, सिर्फ इसी ग्रुप में पाया जाता है, दैट इज नाइडोब्लास्ट, द स्टिंगिंग सेल्स. एंड ये एक ग्रुप है जहां से पहली बार एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर दोनों का कॉम्बिनेशन है. सो एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इज देयर. पॉलीमॉर्फिज्म इनमें देखा जाता है, द पॉलिप एंड द मेड्यूसा फॉर्म्स, दे कैन एग्जिस्ट, एक ही ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बहुरूपीय है ये, है ना? जो अपने अलग अलग रूप बना ले तो बहुरूपीय ही हुआ ना, तो बहुरूपीय है ये. और इनमें वही जो ये एक रूप से दूसरे रूप में जाते हैं, सेक्सुअल एक रिप्रोड्यूस करेगा पॉलिप, और मेड्यूसा जो है सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेट करेगी वो जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस. अब मेटाजेनेसिस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कब किन में है, तो ऑफ कोर्स वो आप फाइसेलिया में बताएंगे, ओबेलिया में बताएंगे. ओबेलिया ऑल्दो एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दिया, बट डजंट मैटर, वी विल राइट इट हियर. और लेकिन बाकी में नहीं है, ये अब ये जो सी एनिमोन्स हैं, कोरल्स हैं, उनमें नहीं है, जेलीफिश में नहीं है मेटाजेनेसिस. सो दैट इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइलम. ओके, देन नेक्स्ट वन हमारा टीनोफोरा. अब टीनोफोरा का मैंने पहला पॉइंट इसीलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन यही आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मरीन. अब इतना सारा सारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या आया, बस इतना उनके हैबिटेट को लेकर, एंड दैट इज दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. ये इस ग्रुप का कोई मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं है. रेडियल सिमेट्री है, अब डिटेल में आप लोग जाते हो, बाई रेडियल सिमेट्री भी पढ़ लेते हो, सब कुछ पढ़ लेते हो, इतना नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है?
एट रोज ऑफ कोम प्लेट्स हैं जिसपे सीलिया हैं जिसकी मदद से ये मूव करते हैं, इनमें भी एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको एनसीआरटी ने बहुत हाईलाइट किया है, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस. ऑल्दो बायोल्यूमिनेसेंस इनका कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो इस फाइलम में ही पाया जाता है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, और भी बहुत सारे फाइलम में हमें बायोल्यूमिनेसेंस मिलती है, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है इसका. और इस ग्रुप के मेंबर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल टुगेदर एब्सेंट है, तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. एंड एग्जाम्पल में जैसे दिए हुए हैं प्लूरोब्रैकिया, सी टीनोप्लाना, सो ऑन. एंड देन फ्रॉम हियर व्हेन वी मूव ऑन टू प्लैटीहेलमिंथीज देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम रेडियल सिमेट्री टू बायलैटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक टू ट्रिप्लोब्लास्टिक. पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स का ग्रुप है ये. एसीलोमेट्स हैं क्योंकि यहां पे मीजोडर्म आ गया है, लेकिन मीजोडर्म बॉडी कैविटी में भरा हुआ है पैकिंग मटीरियल की तरह, और इस वजह से कोई भी कैविटी नहीं रह जाती उनके इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच में, ठीक है. और तो इसी करके इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात आ जाती है. फ्लेम सेल, पहली बार एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर अपीयर कर रहा है फॉर एक्सक्रीशन. सो वन डेडिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन, दैट इज फ्लेम सेल्स. एंड इसमें से बहुत सारे मेंबर्स एंडोपैरासाइट्स हैं, नॉट ऑल वंस अगेन, क्योंकि प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स हैं जो एंडोपैरासाइट्स हैं, एंड दोज आर विद हुक्स एंड सकर्स. एंड एग्जाम्पल इसमें मैंने सिर्फ एनसीआरटी वाले एग्जाम्पल डाले हैं बिकॉज वही मेजरली आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है. और अगर वो एग्जाम्पल होंगे भी तो दे विल बी इन द ऑप्शन विच इज नॉट द आंसर, ठीक है. तो एनसीआरटी वाले एग्जाम्पल बिल्कुल आपको वो याद होने चाहिए, बिल्कुल आपके आंखों के आगे छपे हुए होने चाहिए, ताकि एज सून एज यू सी द क्वेश्चन यू आर एबल टू मार्क द आंसर. ओके, सो दिस इज देयर. एंड देन मूविंग अहेड टू नेक्स्ट वन, दैट इज एश्केल्मिंथीज. अब एश्केल्मिंथीज वैसे अपने आप में बहुत बड़ा फाइलम है, रादर जो न्यू क्लासिफिकेशन है उसमें इसको सुपर फाइलम का स्टेटस दिया जा चुका है, और उसके अंदर फिर 6 फाइलम डिवाइड करे गए हैं, लेकिन हम लोग अभी उतना नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसको फाइलम के स्टेटस में ही पढ़ रहे हैं. और फाइलम में और जो सारे फीचर्स लिख रहे हैं वो एक्चुअली इसके एक क्लास के लिख रहे हैं, एंड दैट क्लास इज नेमेटहेल्मिंथीज और नेमेटोडा. अब देखो जो नेमेटोडा है उसमें राउंड वर्म्स आ जाते हैं, जो कि वंस अगेन बहुत सारे हैं उनमें से जो पैरासिटिक हैं, मैक्सिमली पैरासिटिक हैं. देयर आर ऑल्दो फ्यू फ्री लिविंग स्पीशीज एज वेल. अब यहां से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो जा रहा है, सूडोसीलोम है. अब ट्रिप्लोब्लास्टिक तो शुरू ही हो गया, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन यहां पे मीजोडर्म बॉडी कैविटी का पूरा लाइनिंग नहीं बना रहा है, रादर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस. कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसके साथ, अब देखो यहां पे हाईलाइट करती है एनसीआरटी मस्कुलर फैरिंग्स. तो मस्कुलर फैरिंग दैट इज वो अपने माउथ से फूड अंदर लेंगे और मस्कुलर फैरिंग्स कॉन्ट्रैक्ट करके उसको आगे फर्दर पुश करेगा. एंड वॉट स्टार्ट हियर विद एश्केल्मिंथीज द मस्कुलर फैरिंग्स दैट इज कंटिन्यूड टिल अस, इवन वी हैव अ मस्कुलर फैरिंग्स. सो दिस इज समथिंग विच arises for the first time with एश्केल्मिंथीज. यहां पे excretory tube ऐसा एनसीआरटी लिखती है, रेनेट सेल का नाम उन्होंने नहीं लिखा है, तो वी कैन अवॉइड दैट. वी कैन सिंपली मेंशन देयर कि excretory organ उनका excretory tube के फॉर्म में है. एंड एज फार एज एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में अगर जाओगे तो वहां पर वो उसको सिंपल नेफ्रीडिया या प्रिमिटिव नेफ्रीडिया ही लिख रहे हैं, तो इवन उसके साथ भी हम लिंक कर सकते हैं, क्योंकि नेफ्रीडिया भी बेसिकली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है. ये डायोशियस है, मेजोरिटी ऑफ दी स्पीशीज आर डायोशियस, यानी कि मेल एंड फीमेल सेपरेट हैं, और इसमें एस्कैरिस मेल एंड एस्कैरिस फीमेल का डायग्राम एनसीआरटी का जरूर देख लेना, मेल एंड फीमेल को, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको. एंड इसमें जो तीन एग्जाम्पल हमारी एनसीआरटी देती है, तीनों ही पैरासिटिक फॉर्म्स के देती है, एस्कैरिस, वुकरेरिया एंड काइलोस्टोमा. एंड एस्कैरिस एंड वुकरेरिया आगे जाकर हमारा ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में 12th में फिर मेंशन होते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस फॉर्म में वो एस्कैरिस हमारे लिए इन्फेक्टिव है. तो ऑफ कोर्स द एग्स, जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं, अगर हम डिटेल में जाएं तो दे आर थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर वी इंजेस्ट देम, एंड दैट्स हाउ वी गेट द एस्कैरियासिस डिजीज, राइट. लेकिन डिटेल्ड लाइफ साइकिल की वंस अगेन जरूरत नहीं है, है ना. इवन इन द प्लैटीहेलमिंथीज, द फैशियोला एंड द टेपवर्म लाइफ साइकिल, यू कैन अवॉइड दैट, एंड यू कैन जस्ट सिंपली स्टिक टू द एग्जाम्पल्स, एंड यू शुड नो दैट दे आर पैरासिटिक, उनके हुक्स एंड सकर्स होते हैं. ये ही पार्ट काफी है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट
मूविंग अहेड टू नेक्स्ट वन दैट इज एनेलिडा. अब एनेलिडा में बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम अपीयर कर रही है एनिमल किंगडम में. जहां पे भी ऐसा या तो एक्सेप्शन है या कोई एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ पे मेटामेरिज्म दैट इज ट्रू सेगमेंटेशन. ट्रू सेगमेंटेशन जहां पर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होता है इस सेगमेंटेशन का, यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ये सेगमेंट्स बन जाएंगे और ये सेगमेंट्स में एक्सटर्नल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरनल सेगमेंट्स हैं विथ सीरियल रेपिटिशन ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स, राइट. जैसे आप अथवा में देखो तो उसमें नेफ्रीडिया रिपीट होते हैं सेगमेंट वाइज, या जो सेगमेंटल गैंगलिया है उसके नर्व कॉर्ड पर वो सेगमेंट वाइज रिपीट हो रहे हैं. तो इस तरह की चीज होती है और ये एम्ब्रियोनिकली होता है. तो व्हेन अ अर्थवर्म इज हैचिंग फ्रॉम इट्स एग तब भी उसके 100 सेगमेंट हैं एंड एज इट ग्रोज बिगर तब भी 100 सेगमेंट हैं. तो सेगमेंट का नंबर नहीं बढ़ रहा है. और वंस यू नो अबाउट सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म देन यू कैन थिंक अबाउट सूडो मेटामेरिज्म जो कि हम टेप वर्म में देखते हैं. तो टेप वर्म में अडल्ट में सेगमेंट बनते हैं जिनको प्रोग्लॉटेड कहा जाता है, इसीलिए मेटामियर या सेगमेंट हम नहीं बोलेंगे, प्रोग्लॉटेड बोलेंगे, जो नए बनते रहते हैं लगातार. एंड यस डू कीप रिस्पॉन्डिंग. किसी पॉइंट पे कोई डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए एंड सो दैट आई कैन डील विद दैट साइड बाई साइड. क्योंकि एक बार मैं क्विकली पॉइंट्स दे देना चाहती हूँ सारे फाइलम के एंड देन वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस, राइट. सो ट्रू सीलोम यहाँ पे फर्स्ट टाइम अराइज कर रहा है. ओके सो बी अ पार्टिसिपेंट नॉट जस्ट अ है ना सिर्फ साइलेंट ऑडियंस मत बनकर बैठिए, ठीक है. सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन सा आता है और ये एनसीईआरटी ने दिया है. लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल दोनों हैं बॉडी वॉल के अंदर, है ना. क्योंकि बॉडी वॉल में अगर हम पीछे एश्कल्मिंथीज वाले ग्रुप में देखें तो देर इज अ सिंगल मसल, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल मसल ही है. तो वो खाली थोड़ा सा रिगल कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा मूवमेंट कर नहीं सकते. बट सिंस वो पैरासाइट है तो फर्क नहीं पड़ता उसके लिए. लेकिन यहाँ पे आप ये इनमें लोकोमोशन अच्छा खासा डेवलप है. बरो में जैसे मूव करता है तो वहां पे ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पेरिस्टाल्सिस की तरह चाहिए. तो वहां पर दोनों ही तरह की मसल बॉडी वॉल में होगी तभी इफेक्टिव मूवमेंट हो पाएगा, ठीक है. पैरापोडिया एक्वेटिक स्पीशीज में होते हैं जैसे कि नेरीज, इधर एग्जांपल मैंने दिया है. और अपीयरेंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार यहां पे अपीयर हो रहा है, लेकिन वंस अगेन आरबीसीज नहीं है. ब्लड है लेकिन आरबीसी नहीं है. ब्लड के अंदर ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिसॉल्व्ड है प्लाज्मा के अंदर, है ना. और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मैं पूछ ही लेती हूँ. ट्रू सीलोम की अपीयरेंस आ रही है तो ट्रू सीलोम का कोई फायदा है ऑर्गेनिज्म को, एनीथिंग? Anybody knows कि कोई significance है evolution में कि true coelom का? Yes, you can write in the chat box. Anybody? या सिर्फ ये पढ़ लिया कि हाँ भाई सिलोम एक होता है, है? और उसका कोई सिग्निफिकेंस है? Yes, nobody is taking a chance. Are you passing this question? Yes, Tanu, exactly. Space for the organs, exactly. You see, those who do not know about it, you see, dekho, tube within tube body plan hai. Hai na? Ab tube kya hai? This is from mouth to the anus.
और बाहर ये बॉडी वॉल है ना. सो दिस इज द ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान एंड इंटरनली यू नो दैट इट इज लाइंड बाय द मेसोडर्म. ठीक है, अगर ट्रू सिलोम है तो इंटरनल यहाँ पे मेसोडर्म की लाइनिंग है. अब मेसोडर्म की लाइनिंग है, मेसोडर्म भरा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर हम प्लैटी हेलमेंथीज में देखें तो लाइनिंग नहीं बनाएगा मेसोडर्म, अंदर पैकिंग मटेरियल की तरह भरा हुआ होगा. अब यहाँ पे चूंकि ये लाइनिंग बना रहा है तो एज अ रिजल्ट बीच में जगह है और उस स्पेस में ऑर्गन्स कई सारे प्रेजेंट हो सकते हैं. तो फर्दर एडवांस्ड इन अ वे यस यू कैन इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, क्योंकि इसमें खुद में एक फ्लूइड भरा हुआ है. लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखो कि यहाँ पर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स बनने की जगह आ गई. अब जैसे यहाँ पे मैंने अंदर जो गट बनाया है ना, ये जो गट या दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाया है वो मैंने सीधा सीधा बना दिया है. लेकिन आप सोचो खुद की ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि सबने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, द लेंथ ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इट सेम एज द लेंथ ऑफ अवर टॉर्सो, हमारी बॉडी के लेंथ के बराबर है या उससे कहीं ज्यादा लंबा है? तो इतना हाईली कॉइल्ड इंटेस्टाइन अंदर फिट होने की जगह कैसे आई? बिकॉज देर इज अ ट्रू सीलोम, देर इज अ स्पेस इन इट, राइट? And in some of the, many of these annelids, you will see it provides the space for the accumulation of gametes also. Hey, unke ye yahan pe isi space mein bahut sare gametes बनकर स्टोर होते हैं और फिर लास्ट वाले जो सेगमेंट है ना जिनमें इकट्ठा हो रहे हैं गैमीट, वो सेगमेंट ही टूटकर अलग होते हैं जिससे गैमीट्स विल बी रिलीज्ड इन वाटर. ऐसा नेरीज में होता है, तो वो मे बी आपको नहीं पता हो, बट अदरवाइज आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो बेसिक आइडिया इज स्पेस. It is the coelom is providing the space for more complex organ systems to develop. Okay, और वो हमें annelida onwards ये evolutionary advancement देखने को मिलता है. ठीक है, so this was about so good going at least after probing so much. Ultimately, some people answered, but you should be part of the class and you should be interactive. Then on, that means then you are really listening and understanding as well as you're utilizing your knowledge, because we are considering that this topic you have already done. I am just brushing up your memory quickly so that then we can see the previous year question paper questions which have been there from this chapter. Okay. So next one, moving on to Arthropoda, largest phylum है, आप जानते हैं उसका largest class insect. अब यहाँ पे एक class बस, लेकिन वही mentioned है, सारे classes mentioned नहीं है, बस insecta mentioned है कि insecta इसका largest class है. तो उतना जानने में कोई हर्ज नहीं है, insects insects अपने देख रखे हैं. यहाँ पे भी metamerism ongoing है, true coelom है इनमें भी, लेकिन एक important feature यहाँ पे आता है कि exoskeleton है chitin का, and it is this exoskeleton जो उन्हें एक हार्डीनेस दे रहा है कि हर तरह के एनवायरमेंट में वो रह सकते हैं. तो आर्थ्रोपोडा जो इतना बड़ा ग्रुप है, दे आर फाउंड इन वाटर, दे आर फाउंड इन लैंड, और लैंड में भी बहुत हार्श क्लाइमेट्स में भी पाए जाते हैं. सो द सिंपल रीजन दैट दे आर एबल टू सर्वाइव ऑन सच एरियाज इज दैट दे हैव दिस एक्सोस्केलेटन जिसमें काइटिन है, काइटिन के साथ कुछ प्रोटीन्स भी हैं, ऊपर वैक्सी क्यूटिकल भी है जो कि उनके बॉडी वाटर को लॉस नहीं होने देती, अदरवाइज द इंटरनल वाटर विल एवेपोरेट. और लैंड क्योंकि सबसे हार्श होता है वहां पे, क्योंकि सोचो कि बॉडी के अंदर 70% वाटर है, 70% वाटर बाहर निकल जाएगा तो फिर तो द ऑर्गेनिज्म विल डेसिकेट एंड डाई. बट इट इज दिस काइटिनस एक्सोस्केलेटन विच इज प्रोवाइडिंग देम दैट प्रोटेक्शन. ओके, सो यहाँ पे आप देखो पहली बार, क्योंकि अर्थवर्म को अगर आप देखो तो आप सीधा सीधा है ना, लंबा सा ट्यूब जैसा है. यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये डिवीजन शुरू हुआ, हेड थोरेक्स एब्डोमेन. सो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू दीज थ्री, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, एंड ये चीज यहां से फिर कंटिन्यूड है इवन इन हायर ऑर्गेनिजम्स, इवन इन आवर केस यू सी. और हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन इनको टैगमेटा कहते हैं. वैसे तो ये जरूरी नहीं है, ऐसे ही जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम टेलिंग यू. सो फ्रॉम हियर यू सी दिस फिनोमेना ऑफ द बॉडी गेटिंग डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड थ्री टैगमेटा, दैट इज कॉल्ड द टैगमेटाइजेशन. सो यहां से ये तीन टैगमेटा में बॉडी डिवाइड हो रही है.
और इनमें फिर अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं. सो और इनमें क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, हर हर तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस में पाए जाते हैं, तो दैट्स वाई रेस्पिरेशन के लिए बहुत डाइवर्सिटी है. गिल्स हैं, बुक गिल्स भी होते हैं जो लिमिलस में हैं, एंड बाय विच दे रेस्पायर इनसाइड द वाटर, एंड देन बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम इज फॉर रेस्पिरेशन ऑन लैंड. एक्सक्रीशन मैल्फिजन ट्रिब्यूल्स है, बट उसके अलावा यू विल सी, अब ये वाली टॉपिक जो है ये इन्होंने एनसीईआरटी ने यहां पर नहीं दी है, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में दे हैव मेंशन एंटीनल ग्लैंड जैसे मेंशन कर दिया. तो प्रॉन में एंटीनल ग्लैंड हैं, अगर स्कॉर्पियन में हम देखें तो कॉक्सल ग्लैंड है. तो वो अब वंस वी डू द एंटायर सिलेबस सो यू कैन कंपाइल थिंग्स टूगेदर. सो अकॉर्डिंग टू इन दिस चैप्टर एनसीईआरटी मेंशंस ओनली मैल्फिजियन ट्रिब्यूल्स, एंड इन दिस ऑफकोर्स यू कैन एड अप एंटीनल एंड द कॉक्सल ग्लैंड्स. सो ये अपने आप में फिर कंप्लीट हो जाएगा. और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन ऑल आर्थ्रोपॉड्स विदाउट एक्सेप्शन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं नीट एग्जाम में, जिसमें चार स्टेटमेंट्स दे देते हैं एंड यू आर आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विदाउट एक्सेप्शन. सो बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, हर एक में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, लेकिन कुछ जगह है जहां पे एक्सेप्शन नहीं है, तो वो अपने आप में एक एक्सेप्शन बन जाता है. सो यहां पर अगर कुछ स्टेटमेंट आता है कि ऑल आर्थ्रोपॉड्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दैट वुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज देर इज नो एक्सेप्शन हियर. एंड एग्जाम्पल्स वंस अगेन बहुत सारे हैं, यूजफुल इंसेक्ट्स हैं, बेनिफिशियल हैं जो हमारे लिए, जैसे एपिस, बॉम्बिक्स, लैक्सिफर, ये हैं. वेक्टर्स हैं जो डिजीज स्प्रेड आउट करते हैं, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, देन ग्रेगेरियस पेस्ट है, लोकस्टा, एंड ऑफकोर्स लिविंग फॉसिल ल्यूमिलस. सो दिस वॉज अबाउट द लार्जेस्ट फाइलम. नाउ फ्रॉम हियर मूविंग टू द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज मोलस्का. अब मोलस्का में कैलकेरियस शेल है ओवर द बॉडी, एंड ये शेल कैलकेरियस एज इट इज मेंशनड ऑलरेडी इन दिस चैप्टर्स समरी. इफ यू विल सी इन द एनसीईआरटी दे हैव मेंशनड स्मॉल अमाउंट ऑफ काइटिन आल्सो. सो देखो ठीक है, लेकिन अगर आपको सिंगल चॉइस टिक करनी है फॉर मोलस्का, तो यू विल गो विथ कैलकेरियस शेल, क्योंकि काइटिन की जब बात आती है तो काइटिन इज अ मोर कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू आर्थ्रोपोडा, नॉट विद मोलस्का. हाँ, मोलस्का का अगर हम रेड्यूला की बात करेंगे, जो उनके माउथ के अंदर एक काइटिनस फाइल लाइक स्ट्रक्चर है जिससे रैस्पिंग यानी कि ग्रेट करते हैं वो फूड को जिसको लेते हैं, अच्छे से क्रश कर देते हैं, वो काइटिन का बना हुआ है. लेकिन एज फार एज देयर एक्सोस्केलेटन इज कंसर्न, वो मेजरली इज कैलकेरियस. ठीक है, तो वहां पे सिंगल चॉइस, क्योंकि यही पे थोड़ा सा ट्रिक हो जाती है ना, कि हमें दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों चीजें हैं, अब उनमें से एक ही टिक करना है तो क्या किया जाए. तो यहां पर यू शुड गो विथ कैलकेरियस. ठीक है, सो दीज आर वंस अगेन टू सिलोमेट्स, और इनकी बॉडी में हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल हम्प है. और यहां पर एज आई टोल्ड यू, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता है, दैट इज रेडुला. लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, ऑल मोलस्कन्स डोंट हैव रेडुला. सो दिस इज फाउंड इन ऑल मोलस्कन्स एक्सेप्ट जो ऑयस्टर्स वाला ग्रुप है. तो अब ऑयस्टर का क्लास नेम तो जरूरत नहीं है, बाइवेल्विया या लेमेलिब्रैंकिएटा, ये सब की जरूरत नहीं है. ऑयस्टर्स, क्लैम्स, ये कर लें आप तो ही काफी है, क्योंकि ये वाले ग्रुप में रेडुला नहीं है, ये फिल्टर फीडर्स होते हैं. सो दिस इज वन. एंड देन मूविंग ऑन टू इकाइनोडर्मेटा. अब इकाइनोडर्मेटा इज अ पजल, है ना, सारे जूलॉजिस्ट इसे कहते हैं कि एक पजल है, क्योंकि एक तरफ ये एक एडवांसमेंट शो करता है, जैसे कैलकेरियस ऑसिकल शुरू हो गए, एंडोस्केलेटन जो कि मीजोडर्मल है ओरिजिन में, है ना, और मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन फिर आगे कॉर्डेटा में भी है, हम लोग का भी देखो बोन्स एंड कार्टिलेज मीजोडर्मल है, तो ये एक एडवांस कैरेक्टर है. और फिर इसमें ड्यूट्रोस्टोमिक हो गए, एंटरोसिलोमेट हो गए, जो एडवांस कैरेक्टर है, लेकिन वहीं पे सिमेट्री एक ऐसी शो कर रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं सिलेंट्रेटा के जैसी, तो रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स में आ जा रही है, तो एक तरह का ये पजल हो गया कि नहीं हो गया. और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो एडवांसमेंट के साथ एक ऐसा प्रिमिटिव फीचर में चले गए हैं, लेकिन उसका एक सिंपल रीजन है जो एवोल्यूशनरी रीजन हम लोग समझते हैं, दैट इज कि दे हैव अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल. सेडेंट्री मीन ज्यादा मूव नहीं करता एनिमल, और सेडेंट्री एनिमल के लिए क्या चीज ज्यादा, कौन सी सिमेट्री ज्यादा फेवरेबल है, इट इज रेडियल सिमेट्री, क्योंकि चारों तरफ से बॉडी एक सी है, ऑल साइड्स इट इज सिमिलर, तो वो किसी भी तरफ से फूड गैदर कर सकते हैं.
अच्छा, ये भी फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, तो एक बार टीनोफोरा आ चुका है क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइम क्या पता इकाइनोडर्माटा आ जाए कि कौन सा फाइलम एक्सक्लूसिवली मरीन है, या बोथ ए एंड बी चॉइस वाला आ जाए, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ द स्पंजेस, क्योंकि स्पंजेस में पानी एक तरफ से आ रहा है ऑस्टिया से, ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है, यहां पे इट इज सर्कुलेटिंग इन दी बॉडी, और इतना ये रेगुलर फ्लो नहीं है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है, तो यहां पर दिस इज फॉर लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एंड अप टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है जिसमें आपका डिफरेंस का पॉइंट आ जाता है, तो यहां पे लोकोमोशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो ये शो करता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जबकि स्पंजेस में लोकोमोशन है ही नहीं, तो उनका वाटर कैनाल सिस्टम में देयर इज नथिंग टू डू विद लोकोमोशन, एंड स्पंजेस में जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसी के थ्रू उनके गैमीट भी रिलीज होते हैं, स्पर्म उसी पानी में वो रिलीज करते हैं जिससे वो फ्लोट करके जाएंगे और दूसरे स्पर्म में, दूसरे स्पंज में पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम हैज नथिंग टू डू विद रिप्रोडक्शन, सो यहां पे रिप्रोडक्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस का पॉइंट हो जाता है, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स एग्जांपल्स हैं, एंड दीज एग्जांपल्स यू कैन सर्टेनली सी ओवर देयर। सो देन फाइनली कमिंग टू द लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा, दैट इज दीज आर वंस अगेन एक्सक्लूसिवली मरीन। अब इसके साथ ही देखो आपके तीन फाइलम हो गए जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा, हेमीकॉर्डेटा, एंड हेमीकॉर्डेटा में द बॉडी हैज प्रोबोसिस कॉलर, ये बहुत सिंपल सा, बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, और इसका बस एक मेन इंपॉर्टेंस ये है कि इनमें एक स्टिफ हार्ड सा स्ट्रक्चर था इनके बकल कैविटी में, जिसको अर्लियर इट वॉज थॉट टू बी अ नोटोकॉर्ड, लेकिन इट वॉज नॉट नोटोकॉर्ड, इट वॉज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट वॉज जस्ट अ फोल्ड बकल डाइवर्टिकुलम जिसको स्टोमोकॉर्ड बोला गया। वेन विल आई टीच फॉर नीट 2022? ओके, दैट वुड बी वन ईयर बैच, राइट? सो आई थिंक पीपल फ्रॉम एमेजॉन अकेडमी दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो स्टोमोकॉर्डेटा, वील गेट बैक टू यू तरुण जस्ट इन अ मोमेंट, ओके। सो इसके जो मेंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड अकॉर्न वर्म्स, है ना, इनको अकॉर्न वर्म्स कहते हैं, बेलनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। तो अभी तक देखो नॉन कॉर्डेटा आपका हाफ एन आवर में निकल गया कि क्या मेन मेन पॉइंट्स आपको पता चल गए, एंड यू विल गेट दिस फॉर क्विक रिविजन, यू विल हैव दिस। सो यहां तक में किसी को कोई डाउट है, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, कि भाई ये, क्योंकि एनिमेलिया में बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैम ये याद करें या ना करें, तो अभी किसी को डाउट रह गया है कि क्या याद करना है क्या नहीं करना है? यस नो ओके। सो देखो क्विकली, अब हमारा कॉर्डेटा में तो खैर ज्यादा है नहीं, वैसे भी कॉर्डेटा सबको ज्यादा याद रहता है, मैंने ये देखा है कि हमेशा याद रहता है, तो कॉर्डेटा में सबसे जो क्लासिक उसके चार फीचर्स हैं वो मेन है, जो हॉलमार्क्स हैं कॉर्डेटा का, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड द पोस्ट एनल टेल, राइट? और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इसमें तीन सब फाइलम हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब यूरो और सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, तो और ये छोटे छोटे ग्रुप हैं इनके, बस यूरोकॉर्डेटा में एग्जाम्पल एक एसीडिया का पढ़ लेना होता है, सेफेलोकॉर्डेटा में आपका एक एम्फियोक्सस हो जाता है। थैंक यू तरुण। एंड अब इसमें हम लोग, इसलिए मैं यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि उससे कोई कोई कास्ट क्वेश्चन आते नहीं है,
क्योंकि मेन जो इतने इंटरेस्टिंग वाले हैं ना, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, उधर नॉन कॉर्डेटा में आ गए, इधर कॉर्डेटा में हमारे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, तो यूरोकॉर्डेटा उनको तो पूछते ही नहीं है, ठीक है. सो आई एम डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू वर्टिब्रेटा, एंड वर्टिब्रेटा के जो मेंबर्स हैं, देखो इनमें एक क्रेनियम, एक ब्रेन बॉक्स भी है, हमारा इनबिल्ट हेलमेट आप कह सकते हो ना, सो दैट इनबिल्ट हेलमेट विच इज प्रोटेक्टिंग द ब्रेन, एंड दैट्स वाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्रेनिएटा ऑल्सो. तो दो चीजें हो गई वर्टिब्रेटा में, कि एक तो वर्टिब्रल कॉलम होगा और दूसरा क्रेनियम होगा, दैट इज द ब्रेन बॉक्स वुड बी देयर, ठीक है. तो इसमें साइक्लोस्टोमेटा जो सबसे पहला हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये जॉलेस फिश का ग्रुप है, इट्स अ प्रिमिटिव ग्रुप, और ये एक्टोपैरासाइट्स हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी डायरेक्टली फॉलो नहीं करी, क्योंकि इन्होंने ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिश लिखा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. मिक्सीन इज नॉट एक्टोपैरासाइट, इट्स रादर अ स्कैवेंजर, क्योंकि वो डेड फिश पे फीड करती है, बट डजंट मैटर. लेकिन अगर अब एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आएगा कि ऑल साइक्लोस्टोम्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिश, तो आपको सही करना पड़ेगा उसे, बिकॉज इट्स रिटन इन द एनसीईआरटी. ओके, सो irrespective of whether it is true or not, if it the statement is in NCERT, you have to take it as correct. Okay, so that is one another important key point to be remembered. And these are since jawless, so jaw hi na ho to socho kya hoga, hai na, to ekdam gol samuh hai, and so sucking and circular mouth without any jaws, aur inme scales bhi nahi hai, paired fins nahi hai, अनपेयर्ड फिन्स हैं बट पेयर्ड फिन्स नहीं है, एंड इनमें जो भी एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है, इट इज नॉट बोनी, इट इज कार्टिलेजनस. एंड इनमें ये वाला क्वेश्चन पे अभी आई टेक अप दैट क्वेश्चन अभी लेटर, एनाड्रोमस माइग्रेशन. एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो मरीन वाटर से अपने ब्रीडिंग सीजन में माइग्रेट करते हैं टू फ्रेश वाटर, ठीक है. सो मरीन से फ्रेश वाटर की तरफ जब माइग्रेशन होता है, दैट्स कॉल्ड एनाड्रोमस. इसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि कुछ फिश ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और अपने ब्रीडिंग सीजन में, नॉट इन दिस ग्रुप, वो ऑस्टिकिथीज में आएगा, बोनी फिश में आएगा, तो वो फिर माइग्रेट करके मरीन हैबिटेट में जाती हैं, उसके लिए टर्म होता है कैटाड्रोमस, ठीक है. सो आई जस्ट पुट इट एज अ नोट हियर, दैट इज नॉट कैटाड्रोमस. So catadromous is a migration from fresh water to the marine habitat, and this is example. यहीं पे डाल देते हैं, जब आ ही गया है तो anguilla, which is eel, a bony fish. ठीक है, so I'll just put it separate. So that you can distinguish the terms. So anyway, यहाँ पर ये पेट्रोमाइजॉन शो करती है एनाड्रोमस माइग्रेशन, लेकिन मिक्सीन में एक्चुअली देर इज नो माइग्रेशन. ये मरीन ही रहती हैं, दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन द ओशन, दे टेक बर्थ ओवर देयर, दे डाई ओवर देयर, सो देर इज नो मूवमेंट एट ऑल. ओके, सो दिस इज वन, एंड देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, अब जॉड ऑर्गेनिजम्स पे आ जाते हैं. अब जॉड में हमारा कॉन्ड्रिक्थीस, दैट इज द कार्टिलेजनस फिश, एंड ये तो जॉज के लिए नोन ही है, है ना, मूवी देखी होगी जॉज, अगर बहुत पहले है तो पुरानी हो गई, बट एनीवे, तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग जॉज और इनमें प्लेकोइड स्केल्स हैं बॉडी में. अब देखो फिश के जो स्केल्स हैं दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि ये मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ आपके अपने समझने के लिए, क्योंकि आगे हम लोग रेप्टाइल में भी स्केल्स मेंशन करेंगे, बट रेप्टाइल के स्केल्स एक्टोडर्मल हैं और ये वाले स्केल्स जो हैं वो मीजोडर्मल हैं, तो ये लाइव स्केल्स हैं, ये डेड नहीं है, ये डेड स्केल्स नहीं है. तो जैसे जैसे फिश का साइज ग्रो करेगा उसकी स्केल भी ग्रो करेगा, उसका ये स्केल शेड नहीं होते, और रादर इनमें लाइन्स ऑफ ग्रोथ आती हैं, और वैसे ही बोनी फिश में भी हैं, बट दूसरे स्केल्स हैं, बट वो भी मीजोडर्मल हैं, और उन स्केल्स की लाइन्स को काउंट करके हम फिश की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. और इनमें कोई गिल कवर नहीं है, ओपरकुलम इज द गिल कवर, एंड दे आर एक्टिव प्रिडेटर्स ऑफ कोर्स, एंड एयर ब्लैडर नहीं है, दैट इज द रीजन की दे हैव टू कंटिन्यूअसली कीप स्विमिंग. सो जो शार्क्स होती हैं वो कभी सोती नहीं है, वो कंटिन्यूअसली तैरती रहती हैं, अदरवाइज वो सिंक कर जाएंगी. एंड मेल्स हैव क्लास्पर्स और फॉर विच आर स्ट्रक्चर्स फॉर
बेसिकली कॉपुलेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विवीपैरस दैट इज गिव बर्थ टू यंग वंस. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव ऑस्टिक थीस. ऑस्टिक थीस इज हैविंग साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स ओवर द बॉडी एंड दीज आर ऑल्सो मीजोडर्मल. दीज आर ऑल्सो वेरी मच मीजोडर्मल एंड ऑपरकुलम प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है. तो ये मेन पॉइंट्स हैं और ये मोस्टली ओवीपैरस हैं. ओके, और इसमें तो खैर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. रादर ये इन द एंटायर वर्टिब्रेटा दिस इज द लार्जेस्ट क्लास. ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इसकी है. लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट्स. तो यही देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. आप देखो लार्जेस्ट फाइलम की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा आएगा, लेकिन अमंग वर्टिब्रेट सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? सो दैट इज बोनी फिश. ओके, सो दिस इज वन. एंड देन एम्फीबिया. एम्फीबिया तो दे केम फर्स्ट टाइम ऑन लैंड एंड इनमें लिम्स आ गए. टेट्रापोडा देखो शुरू हो गया. ऑपरकुलम, अगर आप टैटपोल उसका देखो तो उसमें ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है. एंड टिम्पैनम प्रेजेंट हुआ है पहली बार. अब टिम्पैनम अपीयर कर रहा है एंड दे आर मोस्टली ओवीपैरस. और इस ग्रुप में फ्रॉग्स, टोड्स, सेलामेंडर्स, ये वाला ग्रुप का इस ग्रुप में आता है. ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव रेप्टिलिया. रेप्टिलिया आर ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स. अब यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉन ग्लैंडुलर स्किन. क्योंकि आप फिश से लेकर मैमल्स के ग्रुप में जाएंगे तो इट इज ओनली रेप्टीलिया विच हैव टोटली अ नॉन ग्लैंडुलर स्किन. बर्ड्स की भी है उसमें लेकिन बस एक प्रीन ग्लैंड होती है. और यहां पर एपिडर्मल स्केल्स है. दैट्स व्हाई आई सेड दीज आर डेड स्केल्स विच आर शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. थ्री चेम्बर्ड हार्ट है एक्सेप्ट. ये तो बहुत नीट का फेवरेट क्वेश्चन है. बहुत बार इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि विच वही एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन कि ऑल रेप्टाइल्स हैव फोर और थ्री चेम्बर्ड हार्ट. सो देयर इज एन एक्सेप्शन क्रोकोडाइल्स. अब सिर्फ क्रोकोडाइल मत समझना, एलिगेटर दे देंगे तो वो भी होगा, है ना. एलिगेटर का भी फोर चेम्बर्ड हार्ट है. टिम्पैनम प्रेजेंट है, ये एक थोड़ा सा मिसनॉमर है अदरवाइज. लेकिन किसमें नहीं है? स्नेक्स में नहीं है, क्योंकि स्नेक्स में टिम्पैनम नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में है. ओके, एंड यहां पे शेल्ड एग्स ले करना शुरू करा एनिमल ने, तभी उसको वाटर की जरूरत खत्म हो गई. वो लैंड पर ही एग्स ले कर सकते हैं. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, बाकी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी वाले ही डाले हैं, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने नहीं डाला है एंड दैट विल सफाइस. एंड देन ऑफकोर्स बर्ड्स, एवीज. सो यहाँ पे भी नॉन ग्लैंडुलर ही है मोर ऑर लेस स्किन. अगर हम प्रीन ग्लैंड को छोड़ दें तो ओवरऑल रेस्ट ऑफ द स्किन पर कोई स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड इस तरह की चीज नहीं है. एपिडर्मल स्केल्स पैरों पर हैं इनके, बर्ड्स के. देखो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री अपनी कैरी कर रहे हैं और इसके अलावा कहीं बाकी बॉडी पर वो स्केल्स ही मॉडिफाई हो गए हैं इंटू फेदर्स. सो फेदर्स वाले ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक यही है. बीक है, विंग्स हैं, न्यूमैटिक बोन्स हैं, एयर फिल्ड बोन्स. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो पूछा जाता है दैट इज लंग्स विद द एयर सैक्स. तो एयर सैक्स आर टू सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन, बट वो खुद कोई गैस एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट वैस्कुलर, है ना. सो दे आर जस्ट लाइक बेलोज, जैसे वो गांव में चूल्हा के लिए वो एक लेते हैं ना, पाइप से उसे फूकते हैं, आग और बढ़ती है. तो बिल्कुल ये सिर्फ उतना ही लेवल का काम कर रहा है कि दिस इज ब्लोइंग द एयर इनटू द पैसेजेस वेयर द एक्सचेंज विल बी टेकिंग प्लेस एक्चुअली. ओके, और यहां से फॉर द फर्स्ट टाइम एनिमल्स आर बिकमिंग वार्म ब्लडेड. तो वार्म ब्लडेड सिर्फ दो ही क्लासेस हैं, एवीज एंड मैमेलिया. बाकी रेस्ट ऑल इससे पीछे तक हम लोग सारा जितना पढ़ते आए हैं वो सब पोइकिलोथर्मस हैं, कोल्ड ब्लडेड है. तो वार्म ब्लडेड याद कर लो, एवीज एंड मैमेलिया आसान है, और उसके अलावा कुछ भी आ जाए वो कोल्ड ब्लडेड है. ठीक है, सो दैट विल बी वन इजी वे टू जस्ट ग्रुप इट टुगेदर. ओके, और बाकी एग्जांपल्स वंस अगेन द एनसीईआरटी एग्जांपल्स. एंड देन वी हैव वर्टिब्रेटा, हमारा अपना इंग्लिश क्लास. इंग्लिश मींस इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एवरी डे. ओके आदिल, आई विल सी टू दैट. So we here we have a glandular skin. See, I'm sweating, huh? All sweat coming out. So that sweat glands, the sebaceous glands, and here also there is a exoskeleton. We may count kar sakte hain, hair hai, nails hai, wo bhi kaisa hai? Epidermal hai.
एपिडर्मल है, क्योंकि मैमल्स का भी एवोल्यूशन रेप्टाइल से ही हुआ है, तो यहाँ पे भी एक्सोस्केलेटल पार्ट इज एपिडर्मल. एंड मेमोरी ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल मैमल्स वेदर मेल और फीमेल दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स. वो बात अलग है, मेल्स में वो फंक्शनल नहीं है, लेकिन अभी नीचे ये जो एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस, दैट इज द विवी पैर सॉरी ओवी पैरस वन प्लैटीपस, प्लैटीपस में बोथ मेल एंड फीमेल दे सिक्रीट मिल्क. ओके, सो वो लेटर मैमल्स में ये हुआ होगा कि भाई थोड़ा डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, वन विल गो फॉर द जॉब एंड द अदर वन विल टेक केयर ऑफ द यंग वन, सो मे बी वहां पे सिर्फ फीमेल्स आर प्रोड्यूसिंग द मिल्क. एनी वेज, ओ सॉरी ये न्यूमेटिक बोन्स गलत रह गया यहाँ पे, सॉरी आई रिमूव दैट. एंड फोर चेम्बर्ड हार्ट, वी डोंट हैव न्यूमेटिक बोन्स, सॉरी. वॉर्म ब्लडेड हैं, होमियोथर्मस दैट इज, वो तो बता ही दिया. पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना दैट हैज अपीयर्ड विद द मैमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ये सिर्फ मैमल्स में है, ठीक है ना. बाकी में जो टीथ हैं वो सारे एक से होते हैं. एंड आई होप आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में ये टर्म पढ़ा होगा, दैट इज हेट्रोडॉन टीथ, ठीक है ना. तो अब सिर्फ मैमल्स हैं जिनके अंदर हेट्रोडॉन टीथ है, बाकी रेस्ट ऑल द अदर्स दे हैव व्हाट इज दैट, होमोडॉन टीथ, दैट इज ऑल टीथ आर अलाइक, ठीक है. विवी पैरस हैं बट विथ फ्यू एक्सेप्शन. ये भी फेवरेट क्वेश्चन, देखो कितने आसान क्वेश्चन एनिमेलिया से आते हैं. तो एनिमेलिया एक ऐसा चीज है जिसमें आप लास्ट में पढ़ना उसको, क्योंकि कुछ चीजें जो याद वाली है ना, जो एग्जाम्पल्स हैं वो भूल जाते हैं, तो इसको लास्ट में पढ़ना. ऑल दो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, जितना जैसे मैंने आज कराया है कि हर फाइलम हर क्लास के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस उतने कर लो और एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले कर लो, और वो उतना सफिशियंट है ना. बहुत बड़े बड़े पूरा भर भर कर नोट्स लोगों ने लिखे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. सो एनी वे नाउ वे द क्वेश्चन टाइम स्टार्ट्स, सो एवरीबडी इज रेडी और मुझे फटाफट आंसर्स आने चाहिए. देखें अभी द स्क्रीन पे आ जाए. ओके, सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन एक हमारा शुरू में ही हो गया था. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड, व्हाट वुड बी योर आंसर. यस, एक आंसर आ गया है. यस, व्हाट अबाउट अदर्स. ओके, ओके, सो क्वाइट मेनी पीपल हैव आंसर्ड करेक्टली. दिस इज आंसर टू. एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं, इट इज काइटिनस, सो इट इज क्वाइट स्टर्डी एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, ठीक है. सो दिस इज ओके, यस, सो वेरी नाइस फॉर ऑल ऑफ यू, दोज हु हैव आंसर्ड करेक्टली. वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here we have next question. Metagenesis refers to alternation of generation between asexual and sexual phases of an organism, occurrence of a drastic change of form during post-embryonic development, presence of segmented body and parthenogenetic mode of reproduction, and presence of different morphic forms. Yes. Answers are pouring in, right? Yes.
वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट इट इज 3 प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नहीं ये नहीं है मेटाजेनेसिस, आप मेटामेरिज्म से कंफ्यूज कर रहे हैं. ठीक है मेटाजेनेसिस पूछा है, मेटाजेनेसिस. सो मेटाजेनेसिस में पॉलिप, पॉलिप विच इज ए सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म, दिस रिप्रोड्यूसेस टू बाय ए सेक्शुअल मेथड बाय बडिंग. ठीक है दिस कैरीज आउट बडिंग. बडिंग यू वेरी वेल नो दैट इट बडिंग इज ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो विद दिस बडिंग इट प्रोड्यूसेस मेड्यूसा. नाउ मेड्यूसा इज द सेक्शुअल फॉर्म. ठीक है पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म है, मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म है. ये गैमीट प्रोड्यूस करता है. ऑफ कोर्स अलग अलग मेड्यूसा होंगे, मेल एंड फीमेल मेड्यूसा, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. सो गैमीट्स विल फ्यूज टुगेदर एंड यहां से फिर जाइगोट फॉर्म होगा और उस जाइगोट से एक लार्वा फॉर्म होता है. ऑल्दो एनसीईआरटी में लार्वा का नाम नहीं दिया है बट सबने पढ़ा हुआ होगा तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ. ऐसे ही प्लैनुला लार्वा विच विल देन ग्रो इनटू अ पॉलिप वंस अगेन. तो आप देखो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा प्रोड्यूस हुआ और मेड्यूसा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर से पॉलिप प्रोड्यूस हो रहा है. सो दिस इज व्हाट इज मेटाजेनेसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई टोल्ड यू अर्लियर एंड दिस इज सीन इन सम स्पेसिफिक नाइडेरियंस, नॉट ऑल. है ना, अगर आ जाता है कि ऑल सीलेंट्रेट्स शो मेटाजेनेसिस तो वो गलत स्टेटमेंट होगा क्योंकि देर आर सम ऑफ देम ओनली विच शो दिस, लाइक ओबेलिया है, फाइसेलिया है. जो अगर हाइड्रा डाल देते हैं तो हाइड्रा विल बी इनकरेक्ट क्योंकि हाइड्रा सिर्फ पॉलिप की तरह एग्जिस्ट करता है. जेलीफिश है, जेलीफिश सिर्फ मेड्यूसा की तरह एग्जिस्ट करती हैं. सी एनिमोन्स हैं, वो सिर्फ पॉलिप की तरह एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है लेकिन ये जो ओबेलिया फाइसेलिया है ये पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल, पॉलिप एग्जिस्ट करते हैं उससे फिर मेड्यूसा बनता है ना, ऐसे करके. सो दिस वॉज वन एंड देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, an important characteristic that hemichordates share with chordates is. So, देखो hemichordata को वैसे तो अब non-chordata में डाल दिया गया है लेकिन उसका क्या character है और ये भी आया हुआ question है which they share with chordates. यस एब्सोल्यूटली, दो आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास. बाकी लोग कम ऑन. एक और आंसर आया. यस सो ऑप्शन 3. Yes, Nishtha, right. So in this case, you see there is absence of notochord. तो गलत ही हो गया है ना, chordata में तो notochord होगा ही होगा. Pharynx without gill slits, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये chordata का character है. And ventral tubular nerve cord, not at all. Chordates have dorsal side पे nerve cord होती है. तो pharynx with gill slits ये दोनों में है. ठीक है वो अलग बात है, थोड़ा सा पोजीशन में वेरिएशन है. जैसे कि कॉर्डेटा में लैटरल साइड पे होते हैं दोनों गले के, है ना, किनारे लैटरल साइड पे होते हैं और उसमें डॉर्सल होते हैं. बट उतना डिटेल की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना काफी है कि हम ये जानें कि दोनों में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है सो यस गुड वर्क ऑल ऑफ यू दोज हु हैव आंसर्ड करेक्टली. ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एनिमेलिया में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं होते हैं ना, बस आपका एक बार गो थ्रू आपने करा हुआ है तो यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, अ जॉलेस फिश विच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर एंड हूज एमोसीट्स लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन इज.
यस यस मोहम्मद, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स इन केस ऑफ व्हाट इज दैट, अभी हेमिकॉर्डेट जो हमने मेंशन किया था, बिल्कुल. ओके देखो ये भी AIPM नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये अपीयर हुआ था. और इसमें इट इज, अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, साइक्लोस्टोमेटा में यस सही आंसर्स आते जा रहे हैं. दैट इज सेकेंड वन, पेट्रोमाइजॉन. एंड जो मिक्सीन है वो माइग्रेट नहीं करती है. नियोमिक्सीन एक दूसरी स्पीशीज है मिक्सीन की, और एप्टाट्रीटस भी यही होती है. तो ये तीनों ही वन थ्री एंड फोर जो हैं, ये सब देखो इनका कॉमन नेम होता है हैगफिश. सो ये बाकी ये सब ये जो हैं ये हैगफिश हैं, और हैगफिश माइग्रेट नहीं करती हैं. जो लैम्प्रे हैं, अब लैम्प्रे की कोई और स्पीशीज कल को दे दें, लैम्पेट्रा करके कोई और ऐसा नाम दे दें, तो वो माइग्रेट करती है. तो ओनली वन, देखो इसमें पूछा है कौन माइग्रेट करता है, और इसमें जो अडल्ट्स हैं वो माइग्रेट करके जाएंगे वो रिवर में, आफ्टर रिलीजिंग देयर गैमीट्स दे विल डाई, दे वोंट रिटर्न. उनका जो एमोसीट लार्वा है वो रिटर्न करता है. सो आंसर इज टू, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर. ओके सो इट्स ओनली लैम्प्रे विच माइग्रेट्स. और लैम्प्रे का देखो साइंटिफिक नेम लेकिन दिया है, दैट इज पेट्रोमाइजॉन. और एप्टाट्रीटस और नियोमिक्सीन तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, लेकिन ये आप पेट्रोमाइजॉन बहुत क्लियरली याद रखिए कि इसका एनाड्रोमस माइग्रेशन, अभी जस्ट नाउ आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि यहाँ पर वो माइग्रेट जो करते हैं वो उस तरह का जो माइग्रेशन है दैट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन. ठीक है. ओके नेक्स्ट वन, दिस इज अ मैच दी कॉलम. और इस बार का अगर आप नीट का पेपर देखेंगे तो मैच दी कॉलम भरे हुए थे. ठीक है, तो दिस इज अ मैच दी कॉलम, मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन. सो ऐसे में जब आप पेपर कर रहे होंगे तो, क्योंकि इसमें थोड़ा ना गलती होने का चांस रहता है, तो वहीं पर पेंसिल से क्रिस क्रॉस करके पहले मैच कर लो. सो ग्रिगे और उसके बाद अपना आंसर देखो कि कौन सा सही है. ठीक है ना, तो कम ऑन, कम ऑफ विद द आंसर. ए, ओके एक आंसर आया है. वन, ओके सो देखो यहां पर द केमिस्ट मैच इट, जब तक बाकी लोग कर रहे हैं. ग्रिगेरियस, मैं मीनिंग बता देती हूँ. ग्रिगेरियस माने जो झुंड में चलते हैं, बड़े से ग्रुप में चलते हैं. और पॉलीफेगस माने जो बहुत सारे प्लांट्स को खाते हैं बेसिकली ना, इसलिए पॉलीफेगस वर्ड यूज करा है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्सक्लूसिव प्लांट को खा रहा हो. तो ग्रेगेरियस पेस्ट आपको पता है, दैट इज लोकस्टा, है ना. तो ए के साथ फोर, वो पहले में ही है, और तो इट बिकम्स इजी. अब ऐसे में यही तो देखो ट्रिक है, अगर आप दो भी मैच कर लेते हो, देखो कि वो सही जा रहे हैं और ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप वहीं पे आंसर मार्क करके अपना टाइम बचा लो. ठीक है ना. सो अडल्ट्स विद रेडियल सिमेट्री, आई टोल्ड यू ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमारे एग्जामिनर नीट के एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है. अडल्ट्स विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलैटरल सिमेट्री, सो दैट इज स्टारफिश एस्टीरियास. बुक लंग्स देखो होते हैं किसके अंदर, स्कॉर्पियन के अंदर. और बायोल्यूमिनेसेंस, अभी हम लोगों ने बात करी कि टीनोफोरा का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एनसीईआरटी ने उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी है, तो ये जाएगा. सो आपका ये वाला चॉइस आ गया. एक मिनट, ए के साथ फोर है, हाँ ठीक है. आंसर वन, ठीक है राइट. जिसको नहीं समझ आया प्लीज यू कैन आस्क क्यों गलत किया लास्ट में. मोहम्मद, ओके चलो आपसे देख लो कि कहाँ पर गलती हो रही है, ये गलती रिपीट नहीं करनी है. ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चंस हैं. अब थोड़ा सा आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एज मच एज आई हैव डन विद यू टुडे, सो आई डोंट थिंक आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा. नेक्स्ट वन, हियर वी हैव मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है. हेट्रोसर्कल कॉडल टेल फिन,
आप देखो ये एनसीईआरटी देती नहीं है, लेकिन तभी कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं, दैट इज टेल फिन में एक लोब बड़ा है एक लोब छोटा है, और ऐसी टेल फिन, अच्छा सिर्फ उसको देखा, ओके नहीं तो पूरे चारों को मैच करना था, ठीक है ना। तो देखो 6 to 5, हाँ ये वाला करो आप क्वेश्चन। तो टेल फिन, जिनको नहीं पता हेट्रोसर्कल का मतलब क्या है, तो हेट्रोसर्कल कॉडल फिन का मतलब जहां पे एक लोब बड़ा है एक लोब छोटा है, ऐसा कार्टिलेज फिश में होता है। जो बोनी फिश होती हैं उनका दोनों बराबर होते हैं ना, होमोसर्कल टेल फिन होता है। थर्ड चॉइस आ रहा है आंसर मेरे पास, ओके। सो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये साइक्लोस्टोम्स का फीचर है, ठीक है ना। जो कॉन्ड्रिक्थीस हैं उनके, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बी के साथ ए, ओके यहाँ तो कोई मैच नहीं, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, चलो फिर हम लोग मैच करते हैं। हेट्रोसर्कल टेल फिन वील टेक इट विद कॉन्ड्रिक्थीस B3, अच्छा B3 इधर दिया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एनीवे एयर ब्लैडर के साथ वील टेक ऑस्टिक्थीस बोनी फिश, पॉइजन स्टिंग ट्राइगन में, एंड 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट साइक्लोस्टोम्स। सो ए के साथ 2 होना चाहिए था, ओके ए के साथ 2 एंड B3 सी, ये टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, टी सी के साथ 4 एंड डी के साथ 1, दिस वुड बी देयर, ओके सो दिस वुड बी द आंसर। मैं चलो यहां पर करेक्ट कर दूंगी एनीवेज। एंड देन वी हैव अनदर वन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा, ये इसी साल का 2020 का क्वेश्चन है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, एंड कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू 3 सब फाइला, हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और नीचे ऑप्शन देख लो, दो दो यानी कि कुछ भी होगा तो दो स्टेटमेंट आपको सही ढूंढने हैं, है ना। इफ यू सी द ऑप्शंस, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट यू नीड टू गेट। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, तो थ्रू आउट लाइफ तो है ही नहीं, इनमें सिर्फ लार्वल लाइफ में होती है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, है ना। दोज़ आर डूइंग इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। अब देखो वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है नोटोकॉर्ड, फिर वो रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये सही है, और कॉर्डेटा इज डिवाइडेड, हेमी कॉर्डेटा देखो नॉन कॉर्डेटा में आता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। सो वी हैव बी एंड सी करेक्ट, बी एंड सी के साथ ऑप्शन है, यस सम पीपल हैव रिटन इट करेक्टली, बट कुछ लोगों ने गलत आंसर भी दिया है, आंसर ये बन रहा है आंसर 3, है ना। अब देखो रीजन समझ लो क्यों गलत है। ए में क्या गलती है कि यूरोकॉर्डेटा में पहली बात हेड टू टेल नहीं होता, नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ टेल में होती है, रादर इसीलिए इसका नाम ही यूरोकॉर्डेटा, यूरो वर्ड का मतलब ही होता है टेल, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड ओनली इन द टेल, ओके। और दूसरी बात इस वाले स्टेटमेंट में डी में हमने पहले बताया हेमीकॉर्डेटा इज इन नॉन कॉर्डेट्स, इट इज इन नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। सो दिस इज देयर, एंड देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। सो दिस इज
बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ए सिलोमेट एनिमल्स, बायलेटरली सिमेट्रिकल माइंडेड एंड ए सिलोमेट आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय. क्या आएगा? यस, एक आंसर आ गया है. बाकी लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन करें. यस, ओके. सो अब तक आंसर, तीन आंसर आए हैं एंड आई एम फोर्थ आंसर. वेरी गुड. सो एज मेनी पीपल आर देयर वॉचिंग, दे ऑल शुड आंसर. यस, सो मोर और लेस सही आंसर इसमें देखो, बायलेटरल सिमेट्री है तो वो तो बायलैटरल सिमेट्री तीनों फोरा को छोड़कर इन तीनों में है, लेकिन फिर दे दिया ए सिलोमेट, क्योंकि आप देखो यहां पे ट्रू सिलोम आ जाता है तो, और एश्कल्मिंथीज में सूडो सिलोम है. ठीक है, सो हमारा क्या बचता है? ए सिलोमेट कंडीशन इसी में है सिर्फ, एंड दिस इज अवर राइट आंसर, आंसर वन. ठीक है, यस, प्लैटीहेलमिंथीस. सो इट्स ऑलमोस्ट टाइम ऑल्सो, और देखो इन जस्ट जस्ट एन आवर वी हैव गॉन थ्रू द एंटायर ह्यूज चैप्टर. सो आप लोग यू कैन गिव योर रिव्यूज, हाउ व्हाट डिड यू लाइक, एंड इन द नेक्स्ट क्लास यू वुड लाइक मोर ऑफ क्वेश्चन, लेस डिवीजन, एंड सो आई कैन, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास ऑन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट अपने आप में एक बहुत लंबा चैप्टर है वो भी, क्योंकि उसमें एनिमल टिश्यूज और मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच दोनों है. तो अगर यू वांट कि क्वेश्चंस बढ़ा दें और जो रिवीजन पार्ट है वो रिड्यूस कर दें, तो वी कैन गो दैट वे आल्सो. व्हाट डू यू थिंक? मोर क्वेश्चंस? ओके ओके, फाइन फाइन, यस ओके. सो वील इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड रिड्यूस द टेक्स्ट पोर्शन, एंड इवन इफ द टेक्स्ट इज देयर इट कैन जस्ट रिमेन देयर, बिकॉज वेन इट इज द नोट्स आर शेयर्ड विद यू, सो यू कैन रिवाइज ऑन योर ओन, इजंट इट? ओके, सो थैंक्स एवरीबडी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड सी यू टुमारो देन, सेम टाइम सेम प्लेस. बाय फॉर नाउ. थैंक यू एवरीबडी. ओके 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 विनोना, गॉट इट. ओके.